दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक की भर्ती आ गई है। इसमें योग्यता की बात करें तो अगर आप लोग 12वीं पास कर रखे हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे, इसमें 12वीं पास वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मणि स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। प्यारे दोस्तों, अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत भर्ती 2021, जी हाँ दोस्तों, पंचायत सहायक की बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी अभी जारी कर दी गई है। 58,189 पदों पर दोस्तों यह भर्ती ऑफिशियली रिलीज की गई है। बिल्कुल दोस्तों, नो फीस, नो अप्लीकेशन फीस, नो एग्ज़ाम, नो इंटरव्यू, कोई भी अप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला, ना ही कोई आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आप लोगों का यहाँ पे मेरिट के बेस पर दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या यह एक सरकारी नौकरी है या संविदा पर भर्ती है। साथ ही दोस्तों योग्यता के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, सैलरी कितनी मिलेगी, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों आप लोगों का 10 सितंबर तक जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। साथ ही दोस्तों 10 सितंबर के बाद जो है आप लोगों का 2 साल का यहाँ पे 2 महीने का ट्रेनिंग होगा। 2 महीने के ट्रेनिंग होने के बाद जो है दोस्तों आप लोगों की यहाँ पर जॉब लगने वाली है। तो दोस्तों आप लोग जो है 17 अगस्त 2021 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, इसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें दोस्तों आप लोगों का 2 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। जी हाँ, 2 महीने की ट्रेनिंग भी होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। कुल यहाँ पे 18 पेज का दोस्तों यह नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली रिलीज की गई है, जिसमें आप लोग देखिए तो ऊपर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक अकाउंटेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की समय सारणी कार्य और यहाँ पे निर्धारित समय दिया गया है। तो नंबर 1 देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत की सूचना पट एवं मुनादी द्वारा कराया जाना। आगे देखिए 30 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 डेट रखी गई है। इसके बाद दोस्तों जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि जो है 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2021 रखी गई है। तो दोस्तों 3 जगह आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो, जो कि ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, जिसमें जिला पंचायत राज्य अधिकारी, विकास खंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय, इन 3 जगह आप लोग फॉर्म भर के फिल कर सकती हो, जिसकी लास्ट डेट 17 अगस्त रखी गई है। आगे देखिए नंबर 3 दोस्तों, जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाना 18 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक। इसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची मेरिट लिस्ट तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना 24 से 31 अगस्त। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी 24 से 31 अगस्त के बीच में डिक्लेयर की जाएगी, और यह दोस्तों डीएम के देखरेख में भर्ती होने वाली है। डीएम के द्वारा जो यहाँ पे जो गठित की गई है समिति, ये पूरी यहाँ पर जो है देखरेख करेगी, और आपकी जो मेरिट लिस्ट है 24 से 31 के बीच में, 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में डिक्लेयर कर देगी। इसके बाद नंबर 5 देखिए, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति 1 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2021 तक की डेट रखी गई है। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 से ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो दोस्तों 8 से लेकर 10 सितंबर के बीच में आप लोगों के यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर आप लोगों को यहाँ पे जॉब लगने वाली है। तो दोस्तों यह थी इम्पोर्टेंट डेट्स,
यहाँ पे ऊपर आप लोग देखोगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया गया है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन, जिसमें आप लोग यहाँ पे फ़ोटो अटैच करोगे, इसके बाद अपना नेम, पिता या माता का नाम, जन्म तिथि, आयु, जेंडर मेल हो या फीमेल हो, सैलरी कैटेगरी आप लोग चूज करिए, इसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, शैक्षिक क्वालिफिकेशन जो भी है आप लोगों का, इसको अच्छे से फॉर्म फिल करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जाके संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जो है फॉर्म जो है सक्सेसफुल माना जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देखिए नंबर 19, पंचायत सहायक का या अकाउंटेंट या डाटा, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो भी यहाँ पे जॉब दायित्व हैं या आप लोगों का जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, उसे चेक कर लेना। और इसमें दोस्तों सबसे अच्छी खुशखबरी है इस पर जो है किन किन को रोक लगाई गई है, तो देखिए संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर यहाँ पे रोक लगाई गई है। अब किस पर जो है रोक लगाई गई है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य या सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, देखिए ग्राम पंचायत का कोई भी है, चाहे वह पिता हो, दादा या ससुर हो, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधु, बहन, पति, पुतनी, पत्नी, पुत्री, वहाँ कोई भी हो, उन्हें जो है इससे जो है बाहर किया गया है, इस पद से जो है बाहर किया गया है और इन पर जो है रोक लगाई गई है, उन्हें यह जॉब नहीं मिलेगी, यह नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। तो अभी आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना, बोला जा रहा है कि पंचायती राज निदेशालय, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक परीक्षण जो कि 2 माह के अंदर पूर्ण करेगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। तो 2 महीने की यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। साथ ही यहाँ पे दोस्तों यह भर्ती संविदा पर निकाली गई है, यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है संविदा पर यहाँ पे जो है नौकरी निकाली गई है, संविदा पर भर्ती है, और इसमें दोस्तों 6,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, आपने यहाँ पे देखा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, इसकी जानकारी अलग से वीडियो में देंगे। साथ ही अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नीचे आप लोग कमेंट कर दो। और अभी देखिए ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी टोटल 58,189 वैकेंसी है। अभी आपके जो है ग्राम पंचायत में कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी नहीं है, बाद में हम आपको दे देंगे। इसमें दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई को एज काउंट की जाएगी, जिसमें 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही यहां पे दोस्तों ओबीसी वालों को और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए 18 से 45 वर्ष रखी गई है एससी एसटी ओबीसी वालों को, बाकी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 18 से 40 वर्ष दोस्तों आयु सीमा रखी गई है। साथ ही आप लोग अपने ग्राम पंचायत से ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका जो है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप लोग अपने ही ग्राम पंचायत से अप्लाई करोगे, कहीं दूसरे से आप लोग जो हैं फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप लोग इसे अच्छे से चेक कर लेना। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है दोस्तों ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है। बाकी जो है हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है सैलरी के बारे में, और संविदा पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें 58,189 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे जनरल कैटेगरी एससी एसटी के लिए अभी जो है कितनी वैकेंसी है इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी, तो आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे डेट आप लोग देख सकते हो, 25 जुलाई 2021, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नीचे आप लोग कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।